फरीदाबाद में चोरी का वाकया सामने आया, जहां परिवार किसी कार्य से जिले से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो परिवारी जनों के होश उड़ गए। मामला थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहाग नगर का है, जहां सरकारी आवासीय कॉलोनी के आवासीय मकान हैं। और जब तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक रतन सिंह अपने क्वार्टर पर आज सुबह कासगंज से लौटे, तो उनके अपने घर का ताला टूटा हुआ मिला। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो घर में सामान बिखरा हुआ पड़ा था और अलमारी भी टूटी हुई पड़ी थी, जिसमें रखे 40,000 की नकदी और सोने के आभूषण गायब थे। यह सब देख राजस्व निरीक्षक के होश उड़ गए और तत्काल घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद भी सरकारी कॉलोनी में चोर इतनी आसानी से घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की नाकामी साफ उजागर होती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कब तक सफल हो पाती है। मंच न्यूज के लिए फिरोजाबाद से संवाददाता कश्मीर सिंह की रिपोर्ट। तहसील सदर में। अच्छा, किस पद पर है? राजनीति। ये चोरी का क्या मामला है आपके यहाँ? चोरी हुई है? चोरी की रात को मैं था नहीं यहाँ पे जी, तो ये है कि रात को उन्होंने पीछे से दरवाजे से खोला है, उसके बाद जो भी सामान था LED अन्य सामान और जो भी पैसे रखे थे वो सब ले गए। लगभग कितना सामान चला गया होगा? सामान तो जो भी कुछ रखा था, थोड़ा बहुत सोने की चेन वगैरह या वैसा एक आधा अंगूठी वगैरह थी और कैश था करीब 40,000 रुपये। अनुमानित कितना नुकसान हुआ? अनुमानित करीब 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये। हाँ, 1,00,000। कहाँ गए थे आप? मैं ऐसे ही नाना जी एक्सपायर हो गए थे तो वहाँ गया था, लेट हो गया वहाँ से। घर पर कोई नहीं था? हाँ, घर पर कोई नहीं था। वो लोग रात में अपना आए और ले गए।